हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चेतना ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में मैं ये अपने हस्बैंड जी के लिए लंच पैक कर रही हूँ। मैंने सोचा आज की शुरुआत यहीं से कर लेती हूँ, बाकी दिन तो मैं दिन से करती हूँ। तो मैं सबसे पहले लंच पैक कर लेती हूँ। ये है छोले, ये हो गया है लंच रेडी। बाकी जब तक वो रेडी होते हैं तब तक मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले गैस साफ कर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि तब तक मैं उनके जाने तक किचन का काम निपटा ही लूँ, इसलिए मैं फटाफट उनके जाने तक ये सारे काम कर ही लेती हूँ। इसमें मैंने दूध और दही जमाने के लिए रखा हुआ था, और मैंने सोचा साथ ही साथ जब तक वो रेडी होते हैं बर्तन भी धो लिए जाए, फिर झाड़ू पोछा बाद में हो जाएगा। ये मेरे बर्तन भी धुल गए हैं, और अब हम करते हैं लास्ट में लंच, सॉरी लंच नहीं, ब्रेकफास्ट सुबह का। ये इनके लिए दही रखी हुई है, मेरे लिए लस्सी है, मुझे लस्सी पसंद है। ये लस्सी वो वाली है जो ये अंकल बेचने के लिए आते हैं, दुकान वाली लस्सी नहीं है, असली वाली लस्सी है ये, बहुत ही अच्छी होती है। कल मैंने ली थी तो इसलिए मैंने एक ग्लास इसमें बची हुई थी। ये हम कर रहे हैं सुबह का नाश्ता, ये जा रहे ऑफिस को, वो उधर कर रहे हैं, वो ग्रीन प्लेट में, मैं रेड प्लेट में, क्योंकि मेरी बेटी को यही कलर पसंद है, उसे हमेशा ग्रीन कलर वाले प्लेट में बॉय को खाना होता है बोलती है, और रेड वाले में गर्ल्स को, इसलिए वो हमेशा मुझे रेड प्लेट में ही खाने को बोलती है, इसलिए वो खुश हो जाती है। मेरी लस्सी ख़त्म नहीं हुई थी, इनका नाश्ता हो गया था, ये रेडी हो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आराम से बेड में बैठ के लस्सी पी लेती हूँ अपनी। थोड़ा सा बेड से सही किया मैंने, इसके बाद ये चले गए थे ऑफिस को। मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका था, झाड़ू पोछा भी हो चुका था, आज कपड़े धोने नहीं थे क्योंकि आज था थर्सडे, और मैंने सोचा आज क्या करूं तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा आज ये कलर वगैरह बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था इन प्लांट्स पे, तो मैंने कहा इन सबको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ बैठ के। तो मैंने सारे गमले साफ़ किए, इनके पत्तों में सारा गुलाल गिरा हुआ था, तो मैंने जल्दी जल्दी ये सारा काम आज कर लिया क्योंकि आज मेरे पास टाइम था। मेरी बेटी गई थी स्कूल, फिर उसको भी लेने का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा उसको लाने से पहले मैं ये काम निपटा लेती हूँ। बस मैं धीरे धीरे सारे गमले साफ़ कर लूँगी, इनके पत्तों से अबीर भी हटा दूँगी। अगर पानी से ऊपर से पानी डाल के धो ना तो ये सब पानी पानी हो जाता है, गमलों में ओवर पानी हो जाता है। इनके पीले पत्ते भी पीले हो रहे थे कोई कोई, कब से मैंने ठीक नहीं किए हुए थे ये, तो मैंने पत्ते भी साफ़ किए, और जो पत्ते सड़ रखे थे पीले हो रखे थे। सारे में गुलाल गिरा हुआ था, कल होली थी इसलिए बहुत गंदा हो चुका था, सारे प्लांट्स गंदे हो गए थे। फ्रेंड्स आप बताना आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। आज मैंने बस छोटा सा ही ब्लॉग बनाया हुआ है। ये है मेरा छोटा सा गार्डन, मेरा प्यारा सा गार्डन, मेरे ये प्लांट्स कैसे लगे आप सबको बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट करना मत भूलना, और अगर इस वीडियो में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपके पास नई नई वीडियो आती रहे, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और मेरा ये गार्डन आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट करके बताना, अच्छा लगा या गंदा लगा, जैसा भी लगा हो। आज ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं मैंने, बस इतना ही ये सब कुछ दिखाया था, बस ये छोटे से गमले मैंने ये साइड से भी रखे हैं। बाय फ्रेंड्स।